नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और ये है लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी, जिसमें हम हफ्ते भर की सियासी सुर्खियों के बारे में, किसी एक राजनीतिक शख्सियत के बारे में, जनता के सवालों के बारे में और सप्ताह के सुझाव के बारे में बात करते हैं। किससे बात करते हैं? बात करने के लिए दो लोग चाहिए। मेरे साथ होते हैं पत्रकार, नौजवान पत्रकार राजदीप सरदेसाई। नौजवान, अब खुश हुआ मैं, मोगैम्बो खुश हुआ। एक आप नौजवान हैं, दूसरे उद्धव ठाकरे जो अपने बेटे के लिए लड़ रहे हैं। हाँ, आप कभी इस हफ्ते के बाद कभी हम महाराष्ट्रियंस को आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मैं टच ही नहीं करूंगा, बहुत ज्यादा हो गया, पीछे चले जा रहे हैं। कहां से हम गुगली डालेंगे, कौन क्या करेगा कल? पहले लगा था इलास्टिक, अब लग रहा चिंगम है, चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं नेता नगरी के पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है हफ्ते की सुर्खियां। पहली सुर्खी महाराष्ट्र से, जहां 8 नवंबर 2019 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा सौंप दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शिवसेना पर इल्जाम लगाए कि हमसे बात नहीं करते हैं, एनसीपी से करते हैं। उसके बाद शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे सामने आए और उन्होंने देवेंद्र फडणवीस के एक एक सवाल का जवाब दिया। कुल मिला के घमासान जारी है और राज्य में राष्ट्रपति शासन की संभावना है। दूसरी सुर्खी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ पूरे देश की नजर। सिर्फ अयोध्या के भूमि विवाद के लिए नहीं, उसके अलावा भी कई फैसले आने हैं और उम्मीद है कि सीजीआई रंजन गोगोई जब 17 नवंबर को रिटायर होंगे उसके पहले ही ये फैसले आ जाएंगे। इसमें सीजीआई के दफ्तर को आरटीआई मिलाने का फैसला है, सबरीमाला का फैसला है, राफेल को लेकर जो पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी उस पर फैसला आना है। यानी कई अहम मामले हैं जिनको सीजीआई को निपटाना है। तीसरी सुर्खी है पुलिस और वकील की झड़प से जुड़ी हुई। 2 नवंबर को 30,000 कोर्ट में ये झगड़ा होता है, बढ़ जाता है, पहले वकीलों की हड़ताल, फिर पुलिस वालों की हजारों की संख्या में हड़ताल देश के कई हिस्सों तक पहुंचती है और कानून के ये जो दो जरूरी अंग हैं ये सामने आमने आते हैं तो पूछा जाता है गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। चौथी सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं जो करतारपुर कॉरिडोर से जुड़ी है। 12 नवंबर, 550वां जन्मदिन गुरु नानक देव का, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर को लेकर इमरान खान और पाकिस्तान की सेना के बीच जिस तरह की थुक्का फजीहत हो रही है उसके बारे में बात करेंगे। आखिरी सुर्खी नेहरू परिवार से जुड़ी है। नेहरू मेमोरियल और गांधी परिवार से एसपीजी की सुरक्षा लिए जाने को लेकर, इनके बारे में बात करेंगे। राजदीप, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच क्या कोई पर्सनल केमिस्ट्री है? देखिए, पब्लिकली तो कहते हैं कि हमारे बीच बड़ी अच्छी पर्सनल केमिस्ट्री है, लेकिन पिछले कुछ सालों से, खास करके मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन जो 2017 में हुए, जिस तरह से फडणवीस ने एक तरह से शिवसेना पर प्रहार किया, एग्रेसिव स्टैंस लिया, शिवसेना ने फिर फडणवीस पर प्रहार किया, उसके बाद जो उनके निजी संबंध तो मैं नहीं जानता, लेकिन पार्टी लेवल पर दोनों के बीच में कड़वाहट तो हुई है। पालगढ़ में जब बाई इलेक्शन हुए थे तब दोनों के बीच तू मैं हुई, कहीं ना कहीं आज की तारीख में विश्वास का अभाव है। ये आप क्या बीजेपी अरुण जेटली को मिस कर रही है? अरुण जेटली हो या कोई भी हो, इसमें पिछली बार जब देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली थी उसके लगभग एक महीने बाद शिवसेना सरकार का हिस्सा बनी थी और तब भी बताते हैं कि अरुण जेटली और अमित शाह ने ही, जिसे महाराष्ट्र की टर्म में कहें तो मांडवाली समझौता, वो सब। आपकी बात बिल्कुल सही है, कहीं ना कहीं अरुण जेटली जैसे लोग एक तरह से बीजेपी शायद मिस कर रही हो, पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग। बिल्कुल, लेकिन आज की तारीख में ये जो जितने भी घटक दल है बीजेपी के, वो सब एक तरह से, अकाली हो, जेडीयू हो, सब को लगता है कि हमें एक तरह से बिल्कुल किनारे किया गया है। सरकारें जो चलती है, मोदी शाह चलाते हैं या उनके चुने नुमाइंदे जैसे फडणवीस चलाते हैं। फडणवीस ने जिस तरह से एनसीपी को तोड़ा, उसके बाद कांग्रेस के कुछ एमएलएस भी बीजेपी में आए और सेना को मंत्री पद नहीं दिए, विश्वास का अभाव है। और यही एक कड़वाहट मुझे तो आज लगा, जिस तरह से उद्धव ठाकरे 5 साल का भड़ास निकाल रहे हैं, 5 साल का एक गुस्सा है कि अमित शाह ने कई वादे किए, वादे निभाए नहीं, एक कहीं ना कहीं उनमें मुझे लगता है कि ये करो या मरो की स्थिति आ गई है शिवसेना के लिए। ये आप जानिए, क्योंकि वो जानते हैं अब इसके बाद अगर चुनाव होंगे बीजेपी उनके साथ नहीं जाएगी और बीजेपी हिंदुत्व की नंबर 1 पार्टी बन गई है। 4 विकल्प है राजदीप जिन पर आपकी टिप्पणी चाहूंगा। पहला विकल्प
कि एनसीपी और शिवसेना की सरकार बने और कांग्रेस बाहर से समर्थन दे, जिसके बारे में सूत्रों के हवाले से खबर चल रही थी। कांग्रेस को ये बैकफायर करेगा? शिवसेना राम मंदिर के मुद्दे पर, हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों पर बहुत मुखर है। बहुत मुश्किल है कांग्रेस को पूरी तरह से सेना को सपोर्ट करना। लेकिन आप ये जानिए, कांग्रेस के 44 एमएलए हैं, उसमें से करीब 30 से 32 जो करीब नए एमएलए, वो कह रहे हैं ये क्या हो रहा है, हम 5 साल हमें मौका मिल रहा है और मौका का हम क्यों नहीं फायदा उठाते। वहीं फडणवीस हमारी पार्टी तोड़ते हैं, बीजेपी तोड़ती है, बीजेपी चौटाला के साथ जाती है, तब कोई ये नहीं कहता कि कोई विचारधारा पर नुकसान होता है। लेकिन जब कांग्रेस की बात आती है तब आप कहते नहीं, सेना को इज अनटचेबल। अरे यही सेना को तो कांग्रेस नहीं के लोग कहते हैं 80 के दशक में साथ में लड़े, नहीं 1960 के दशक में कम्युनिस्ट को तोड़ने के लिए कहा जाता है, वसंतराव नाइक ने किया। उसके बाद 75 में बाला साहेब ठाकरे ने इमरजेंसी के जमाने में इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया, 77-80 में कांग्रेस को समर्थन किया। लेकिन बात सही है कि राम मंदिर जैसे मुद्दों पर शिवसेना का जो रुख है वो आक्रामक रहेगा, कांग्रेस की जो विचारधारा है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर है कि हम और कमजोर हो। पर जब आप इतने कमजोर, मेरा तो कहना है जब आप इतने कमजोर हैं आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। देखिए महाराष्ट्र जो है ना, सोने की मुंबई खास करके सोने की नगरी है मेरे दोस्त, और सब उस सोने की नगरी चाहते हैं। और शरद पवार देखिए 80 साल के हो गए। सवाल यही था कि शरद पवार बार बार सख्ती से कह रहे हैं कि हमें विपक्ष में बैठने का मैंडेट मिला है। सर शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति है जो जानते हैं कि पब्लिक में क्या कहना है और प्राइवेटली क्या करना है। वो कभी अपने पत्ते खोलते नहीं है आसानी से, अभी तक पत्ते खोले नहीं है। शरद पवार भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकते हैं जैसे 2014 में गए, नहीं, बाहर नहीं, से सपोर्ट दें? नहीं, भारतीय जनता कुछ रियायत मिल जाए दिल्ली से? नहीं, मुझे नहीं लगता। अब अच्छा, यानी सेना की जगह शरद पवार एनडीए में जाए? शरद पवार बाहर से देवेंद्र फडणवीस की सरकार को समर्थन दें, ये तर्क कहते हो कि भाई आप सबसे बड़ा दल हैं, आप चलाइए, हम मुद्दों पे आधारित समर्थन देंगे? मुझे लगता है 2014 में ऐसा हुआ था, लेकिन 2019 में ईडी के नोटिस के बाद जिस तरह का कैंपेन शरद पवार ने चलाया, आप इस तरह से कह रहे हैं जैसे शरद पवार एक तरह से महाराष्ट्र के दुष्यंत चौटाला बन जाए कि हमने कैंपेन में बीजेपी को बहुत टोका लेकिन अब उनके साथ समझौता करेंगे। मुझे लगता है नहीं, मेरी जानकारी है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बीच कुछ ना कुछ डीलिंग हुई है। अब वो डील किस तरह की है, उस वो क्या वो सरकार बनाने की डील है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह इतनी आसानी से सरकार चलने नहीं देंगे। वो जनादेश, वो 105 सीट लेके विपक्ष में बैठेंगे, कर्नाटक में भी नहीं बैठे, कैसे बैठेंगे? देखिए और ये बात शरद पवार बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए नंबर तो साफ है, अगर सेना कांग्रेस एनसीपी साथ आए तो सरकार तो उनकी बनेगी। अगर साथ आए, अगर अगले अगर संडे तक साथ नहीं आ पाए तो राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन यानी गवर्नर बीजेपी का कोश्यारी जी, तो पुराने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बीजेपी के, और फिर शाह और मोदी अपने चाल खेलेंगे महाराष्ट्र में, और कहीं ना कहीं एक महीने खेलें सियासत में तो है। शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति शासन लगे। अगर शरद पवार एनसीपी कांग्रेस की सरकार बननी है तो अगले 72 घंटों में बननी पड़ेगी। अगर वेरी डिम, दो पॉसिबिलिटीज और हैं, एक की फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगे, 6 महीने तक राजनीतिक संभावनाओं का इंतजार किया जाए और फिर राज्य में दोबारा चुनाव हो जैसे 2005 में बिहार में हुए। दूसरी संभावना है कि जब विधानसभा को निलंबित कर दिया जाए उस दौरान नए किस्म के गठजोड़ बने और कोई नंबर का दावा करे। एक और संभावना यूपी में 1996 में हुआ, एक और संभावना कि बीजेपी फडणवीस को सैक्रिफाइस करे और कहे चलिए। आज देखिए उद्धव ठाकरे ने आरएसएस की प्रशंसा की, नरेंद्र मोदी उनके बड़े भाई हैं, उन्होंने टीका की किसकी? अमित शाह एंड कंपनी ने झूठ बोला। शाह एंड कंपनी को आप टारगेट कर रहे हैं, आरएसएस को नहीं, आपने कहा हिंदुत्व पार्टी राम मंदिर। अमित शाह को टारगेट करना, नरेंद्र मोदी को टारगेट करना है। चलिए आरएसएस को नहीं किया, बिल्कुल नहीं। आरएसएस के बड़े देवेंद्र की कुर्बानी वो इसलिए नहीं देंगे, देवेंद्र क्योंकि की वो कुर्बानी और दरार खुल जाएगी सर, इतनी मजबूती से जो बैकिंग है, क्योंकि कल को कोई कहेगा आप रघुवर दास को हटाओ, कल को कोई कहेगा खट्टर को हटाओ, आप अगर अपने नेताओं को बैक नहीं करोगे जिनको आपने 5 साल बिल्ड किया है। देखिए ये पुरानी भाजपा होती तो पुरानी भाजपा तो कभी मायावती के साथ समझौता कर लेती थी 6-6 महीने का, कभी सिर्फ मंत्री पद के नाम पे 2002 में हो गई। क्योंकि महाराष्ट्र में ये चर्चा थी कि क्या नितिन गडकरी मुंबई आएंगे,
नितिन गडकरी की बड़ी अच्छी बनती है सबके साथ, पवार के साथ, उद्धव ठाकरे के साथ, सबके साथ। अब ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, क्या नितिन गडकरी को इतनी राजनीतिक ताकत देने के लिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह तैयार? ये सवाल है, तैयार है, अनलाइकली। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, मुझे नहीं लगता कि कोई फाइनेंशियल कैपिटल, ऑल द बिग डीलिंग्स एंड, आप तो बिल्कुल एक फिल्म स्क्रिप्ट की तरह कह रहे हैं, बट बिल्कुल सही आपकी बात है, मैं मानता हूं आपकी बात। इसलिए मुझे लगता है आज की तारीख में या तो 72 घंटों में शरद पवार सेना सरकार बनाए, कांग्रेस बाहर से समर्थन करे, ये घूरने वाला खेल कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया भाजपा शिवसेना का, हु विल ब्लिंक फर्स्ट। नहीं, अब तो वो देखिए, अब तो नूरा कुश्ती खत्म हो गई, पहले मुझे लगा खो खो चल रहा था, फिर लगा नहीं नूरा कुश्ती हो रही है, अब बॉक्सिंग पे आ गए हैं, बॉक्सिंग पे आ गए हैं, अब ये है द बेस्ट बॉक्सिंग मैच, ब्लीड एंड विन। लेट्स मूव टू हेडलाइन नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट पर सबकी नजर, अयोध्या, राफेल, आरटीआई, सबरीमाला, कई मामले हैं। रंजन गोगोई जैसे दीपक मिश्रा के ऐतिहासिक फैसलों के लिए उन्हें याद करते, रंजन गोगोई इज गोइंग टू सिक्योर हिज प्लेस? ऑफ कोर्स, देखिए ऐतिहासिक फैसला देंगे अयोध्या पर, जो भी फैसला हो। और देखिए मुझे एक ही बात कभी कभी चुभती है कि ये जितने न्यायाधीश हैं हमारे, जो चीफ जस्टिस हैं, ये अपने आखिरी हफ्ते में क्यों करते हैं बड़े बड़े फैसले लेते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल कभी कभी चीज़ों को टच करते हैं, आप पहले क्यों नहीं कर पाते? लेकिन अयोध्या का मसला तो कई सालों से रहा है राजदीप, और जो भी कि आप अपना प्राइम टाइम 9 बजे को, अरे वो उनका प्राइम टाइम है, वो बिल्कुल जब ऑडियंस की नजर है, बिल्कुल सर हम प्राइम टाइम आखिरी पारी एकदम जोरदार धमाकेदार टाइम से। ये देखिए सौरभ, प्राइम टाइम हमारे लिए रोज होता है, रोज हमें खबर करनी पड़ती है, न्यायाधीश जो बड़े होते हैं वो आखिरी दिनों में ये बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन अयोध्या का जो भी फैसला हो, रंजन गोगोई इतिहास में जाएंगे कि वो न्यायाधीश थे जब अयोध्या का फैसला लोगों के सामने आया, और बाकी भी जो है, रफेल इतना मैं बड़ा नहीं मानता, लेकिन सबरीमाला और अयोध्या, क्योंकि ये दो आरटीआई सीजीआई का दफ्तर आरटीआई में आना, जो कोलेजियम की रिकमेंडेशंस क्या होती हैं, अभी देखिए वो त्रिपुरा में फाइनली अप्रूव किया गया, पहले एमपी के लिए भेजा गया था गुजरात से, लेकिन जो माहौल बन रहा है ना उसमें मुझे लगता है जो भी निर्णय अयोध्या पर आएगा वो बाकी सब चीजों को डेकोर करेगा, तो और कोई भी इसका सबसे बड़ा कानूनी और फैसला एक तरह से वो एक सीरीज में आ रहा है। मैं तो चाहता था कुछ फैसले इस हफ्ते आते, कुछ अगले हफ्ते आते, थोड़ी ब्रेक मिलती, थोड़ी राहत, वेरी बिजी डे। इसलिए मैं और बाद में बात करेंगे, क्या हो सकता है अयोध्या का फैसला सर, सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है वैसे सर, सौरभ भाई मैं कई चीजों पर बेबाक बात करता हूं, अयोध्या एक ऐसा मसला है जिस पर जितनी कम बात की जाए उतना अच्छा है, लेकिन मैं मेरे दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ, मैं 92-93 में एक छोटा सा जर्नलिस्ट था मुंबई में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी, मैंने दंगे बहुत नज़दीकी से देखे, मैंने देखे किस तरह के मुंबई को विभाजित किया गया और मुंबई को एक तरह से खून की नदी में एक तरह से विभाजित किया गया। जो भी हो शांति बरकरार रखिए, और मुझे दुख होता है कि आज हम अयोध्या पे बात कर रहे हैं लेकिन जिन लोगों ने वो दंगे किए सौरभ, वो अभी तक एक तरह से उनको कानूनी हिरासत में नहीं लिया गया, वो बाहर छूट गए, देर वॉज नॉट इनफ कन्विक्शन। 1000 से ज्यादा लोग मरे मुंबई में, कन्विक्ट कितने हुए? 10-12। ये कैसा कानून है? ये अंधा कानून है फॉर इट राजदीप, इस देश में अंधा कानून है मेरे दोस्त। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट? कि किसी को कन्विक्शन नहीं हुआ दंगों के लिए, हमारी अलग सिस्टम है, हाँ। हमारी सिस्टम है। और आपने सही कहा, मुंबई में कई सरकारें आई हैं, भाजपा सेना की आई है, कांग्रेस की एनसीपी की आई है, सेंटर में कई सरकारें आई हैं, किसी ने इन मसलों को उस तरह से नहीं लिया। ऐसा लगता है कभी कभी कि उस एक आम आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। कितने लोग बेकसूर मरे मुंबई में, किसने क्या किया, कौन? श्री कृष्णा रिपोर्ट के सामने मैं गया था और उस रिपोर्ट को आपने अरेबियन सी में फेंक दिया एक तरह से, लेकिन मैं चाहता हूं क्रिमिनल केस जो हुए थे बाबरी मस्जिद डेमोलिशन उसके बाद उस पर भी कड़ी फैसला हो। बिल्कुल, और आपको ये जान के संतुष्टि होनी चाहिए कि रंजन गोगोई के आदेश के बाद ही 6 दिसंबर 1992 के मामले की, डिमोलिशन के मामले की डे टू डे सुनवाई हो रही है और जज को एक्सटेंशन दिया गया है ताकि वो पूरा हो टाइमली। ये तो पूरे देश की चिंता है कि भाई कुछ भी अगर हुआ है, लेकिन बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट होने वाला है देश की पॉलिटिक्स में। देखिए टेक्टोनिक इस देश में हर साल हर महीने आजकल टेक्टोनिक शिफ्ट्स होते हैं राजदीप। मेरा सवाल है कि मैं इसको रीफ्रेम करता हूं,
अयोध्या में जिस तरीके के फैसले का अनुमान लगाया जा रहा है ज्यादातर के द्वारा, क्या एक सोमनाथ जैसी स्थिति हो सकती है? ट्रस्ट बने, निर्माण हो और उसे एक धर्म तक महदूद न रख के राष्ट्र के लिए निर्माण, राष्ट्र पुरुष, हमारी संस्कृति के प्रतीक, हमारे कल्चर के, हमारी विरासत के प्रतीक, और बापू के राम राज्य से जोड़ दिया जाए और उसका वैसे विपणन किया जाए, एक अद्भुत अकल्पनीय सा। सौरभ भाई, इस सवाल का जवाब हम अगले फ्राइडे देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मामला इतना पेचीदा है, मैं इस पर इतना जितना हम पढ़े उस पर 2.77 एकड़ जमीन पर किसका कब्जा, राम चबूतरा, सीता रसोई, तीन गुंबद जहां पर थे, अखाड़ा रामलला विराजमान जो 1989 में पार्टी बने, अखाड़ा जिसके पहले से 1885 में रिट दाखिल की गई थी कि साहब राम चबूतरे पे मंदिर बनाना है और तब कैंसिल हो गई, 40 का दशक जब गुंबद को पहली बार नुकसान पहुंचाया गया और फिर कोर्ट के आदेश से मरम्मत कर दी गई, या फिर 22 दिसंबर 1949 का दिन जब अभिराम दास के नेतृत्व में मुख्य गुंबद के अंदर रामलला की मूर्तियां रखी गई महंत दिग्विजयनाथ के निर्देश पर। बहुत लंबी कहानी है सर, विस्तार से लल्लन टॉप की अयोध्या सीरीज में सब बताएंगे आप। सर कहानी लंबी है, इसलिए जब लंबी कहानी होती है ना, उसका जो लास्ट चैप्टर होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, और अगर हम लास्ट चैप्टर पर आए हैं तो मैं बस चाहता हूं कि जो भी हो ये देश बच, ये देश बहुत बड़ा है सर। जी, जी, जी। इस देश में द थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा इसीलिए मुस्लिम आबादी इस देश में रहती है, और मैं चाहता हूं कि हिंदुइज्म की जो ग्लोरी है, जो हिंदुइज्म की सबसे बड़ी चीज है कि सब सबको साथ लेने की जो परंपरा है, वो भी इस बात के लिए प्रयास करती दिख रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, केंद्र सरकार, व्हाट्सएप पे किस तरह के मैसेजेस जाएं, फ्लैग मार्च हो रहा है, सारे एसपीज को कहा गया है कि किसी भी किस्म के प्रदर्शन की इजाजत मत दीजिएगा। सर ये सब ठीक है और अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ आज कहना चाहता हूं। जी कहिए। ये 28 साल क्यों नहीं कहा गया? 28 सालों में बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि के मसले को लेकर कितने बेकसूर लोगों की जाने गई, कितनी राजनीति हुई है, क्या क्या भड़काऊ भाषण हुए हैं, तब कहां थे? और कुछ यही लोग हैं जो आज दूसरों को आदेश दे शांति रखिए। फिर वो ये कहेंगे कि ये वही तर्क है कि 84 में कहां थे? अरे हम अभी शांति बरतने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं नहीं 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 नहीं, वही लोग, मेरा ये कहना है वही लोग जो आज प्रवचन कर रहे हैं और कह रहे हैं शांति बरकरार रखिए, मैंने देखा है जिस तरह के भड़काऊ भाषण उन्हीं के लोग या उन्हीं के समर्थकों ने किया है। मैं कहता हूं दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। 28 साल आपने अपनी रोटी, राजनीतिक रोटी सेकी है, इस पर बहुत हो चुका। वो अभी भी कह रहे हैं अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। देखिए सर जो भी, चलिए लेट्स नॉट मेक इट अ टीवी डिबेट, लेट्स मूव टू हेडलाइंस नंबर 3। पुलिस और वकीलों के बीच झड़प 30,000 कोर्ट में। कानून के रखवाले, कानून को लागू करने वाले, खाकी बनाम काला कोट, बेहद शर्मनाक विजुअल, बहुत ही शर्मनाक। पुलिस की डीसीपी हैं मोनिका भारद्वाज, जिस तरह से उनसे बेअदबी हुई, वकीलों का अपना रोना है कि साहब हमें लॉकअप में पीटा गया, दोनों तरफ से इल्जाम लग रहे हैं, पर दिस वाज अवॉइडेबल। मतलब पुलिस हेडक्वार्टर के सामने पुलिस वालों ने जो अपनी बेबसी जाहिर की कि हमारी एसोसिएशन नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं, मैं कई पुलिस वालों से, उनके परिवार वालों से मैंने बात की, गुस्सा है उनमें। मैं एक पुलिस वाले से 2 दिन पहले मिला, उन्होंने वही मोनिका भारद्वाज वाली व्हाट्सएप की वीडियो दिखा रहा था मुझे, किस तरह से जो वकील है उन पर टूट पड़े थे, भीड़ बिल्कुल एकदम, और वो कह रहे सर मैं क्या करूं, आप बताइए क्या करना चाहिए। तो मैंने कहा शांति बरकरार, उन्होंने कहा मैं, आप हमेशा शांति का संदेश देते हैं, वकीलों को भी दीजिए। कहीं ना कहीं आप कहते हैं इट वॉज अवॉइडेबल, मैं कहता हूं नहीं, ये होना ही था। जिस तरह से मुझे लगता है वकीलों और पुलिस के बीच, खास करके मैं सुनता हूं कोर्ट के 30,000 जैसे कोर्ट में एक टेंशन बढ़ रही थी। मैं ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ है, ये कई छोटे छुटपुट घटना होती, कोई पार्किंग पर होती है, कुछ छोटी घटना होती है, लेकिन टेंशन है। और ये बहुत दुखदायक है कि काले कोट में लोग और खाकी वर्दी में एक दूसरे को एक तरह से जानी दुश्मन देखने लगे हैं। राजदीप, क्या और पुलिस की इतनी जिम्मेदारी, वकीलों को मैं दोषी ठहराता हूं इस बार, जिस तरह से वकीलों ने वहां बर्ताव किया। अब एसोसिएशन को एक नजीर देनी चाहिए, सख्ती से
उन लोगों के लाइसेंस सस्पेंड कर दें जितने लोग दिख रहे हैं हिंसा करते हुए। मैं तो कहता हूं ये वकील रह ही नहीं सकते इस वही मैं कह रहा हूं उनके लाइसेंस सस्पेंड कीजिए। और क्या होता है पुलिस पर, अगर पुलिस वहां कार्रवाई कड़ी कार्रवाई करे तो वो दोषी, अगर नहीं करे तो वो दोषी। याद किया जा रहा था ना जब उन्होंने लाठी चलवा दी थी। और थोड़ी सहानुभूति हमें दिखानी पड़ेगी पुलिस वालों पर जब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहे। अगर आप कहेंगे हाँ कुछ, अगर ये तर्क निकला इंक्वायरी के बाद कि उन्होंने किसी वकील नहीं, नहीं उनको भी ना बख्शा जाए। हाँ, जिन्होंने जिन्होंने गोली चलाई उन पर आप जरूर कार्रवाई करिए, पुलिस को बख्शिए मत। लेकिन जो एक पुलिस वाले को आप बाइक पे घेर के चार लोग पीट रहे हो, फिर आप महिला अधिकारी के साथ ऐसे कर रहे हो, अनएक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल। कानपुर में और आप कहते हो आप कानपुर में वो एसएसपी और कानून के रखवाले मचा रहे हैं। जो लॉयर हैं अपने आप, जब आपको अपना अपनी वर्दी काली वर्दी मिलती है आप कहते हैं आप कानून के रखवाले हैं। अरे आप और फिर दूसरों के बीच क्या फर्क है? और पुलिस को मुझे लगता है इस तरह से डीलेजिटिमाइज मत करिए लोगों के सामने, इस तरह से आप उन्हें जनता के सामने इस तरह से ना करें जहां वो उनका जो गुस्सा है नजर आता है कि हम एसोसिएशन बनाएंगे यूनियन बनाएंगे। ठीक है, आपने डीलेजिटिमाइज कहा और मुझे आपके पुराने दोस्त इमरान खान याद आ गए। अरे वाह, कहां से? करतारपुर कॉरिडोर का मामला चल रहा है, इमरान खान बयान देते हैं फीस की जरूरत नहीं, पासपोर्ट की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री इमरान खान को उन्हीं के विदेश मंत्रालय के लोग धता बताते हैं, कहते हैं पासपोर्ट भी चाहिए, फीस भी चाहिए। इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि हमने जो एमओयू में किया है कि पासपोर्ट और $20 वी एग्री ऑन दैट। और फजलुर रहमान है उधर लगातार वार्निंग दे रहे हैं कि गद्दी छोड़ो गद्दी छोड़ो। तो इमरान खान जो क्रेडिट लेना चाह रहे थे कि पाकिस्तान में टूरिज्म को लेकर बहुत स्कोप है, रिकॉर्ड टाइम में वो करतारपुर कॉरिडोर बनाना चाह रहे थे एक दुनिया के सामने कि देखिए साहब हमारा एक ये चेहरा भी है कि ये जो 4.3 किलोमीटर का फासला है हमने इस फासले को जो डेरा बाबा नानक और करतारपुर के बीच का है नाप लिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इधर से उद्घाटन करेंगे, पाकिस्तान प्रधानमंत्री उधर से। लेकिन जो गुडविल वो जनरेट करना चाहते थे इस साइट पर भी, वहां खालिस्तान समर्थकों के पोस्टर और इस तरीके की आखिरी मिनट की बयानबाजी उसको कमजोर कर रही है। बिल्कुल, और मुझे लगता है ये इमरान खान खुद की कमजोरी नजर आती है। एक तरह से आर्मी जो है वो डिक्टेट करती है पाकिस्तान में हमेशा, तो आर्मी ने डिसाइड किया है कि आपको वीजा चाहिए पासपोर्ट चाहिए $20 देने पड़ेंगे। इमरान खान अपने आप को गुडविल एम्बेसडर समझते हैं कि भारत के साथ मैं एक तरह से अपनी इमेज को एक तरह से रिवाइव करूं कि मैं इतना बुरा नहीं है जितने आपको लगता है। लेकिन इससे नहीं चलेगा, मुझे लगता है पाकिस्तान को तय करना है कि आपने ये करतारपुर कॉरिडोर किस वजह से बनाई है। क्या भारत और पाकिस्तान में आप रिश्ते बढ़ाना चाहते बेहतर करना चाहते हैं या केवल ये औपचारिकता है? वो 5,000 लोग जो रोजाना दर्शन करेंगे दरबार साहिब में जाके वो गुडविल एम्बेसडर हो सकते हैं क्योंकि अभी तक वो दूरबीन से देखते थे बीएसएफ की चौकी से। पर ये किस तरह के गुडविल एम्बेसडर? अगर नहीं, अभी तो अगर आप वीडियो प्रोमो में पाकिस्तान वहां खालिस्तान टेररिस्ट दिखाएगा लूजिंग इट। बिल्कुल, तो मेरा कहना है कि अगर पाकिस्तान वाकई चाहता है कि करतारपुर कॉरिडोर के जरिए एक नया भारत और पाकिस्तान के बीच पॉसिबिलिटी हो कि कुछ तक कुछ गुरु नानक देव की करुणा दया मानवता की शिक्षाएं आगे बढ़े रिश्ते बेहतर हो जाए जी, तो ऐसी स्थिति में आप भारत को इस तरह से बार बार प्रोवोक करोगे वहां हल्की हरकतें। तो ये हल्की हरकतें जो है और इसमें पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई हमेशा शामिल है। इमरान खान आप जानिए आपकी आर्मी और आपकी आईएसआई ने अब तक आपके लिए क्या किया है, बहुत सारी जंग दी है जिनमें आप हारे हैं, आपको भुलावा दिया है रिलीजन का, देश का जीडीपी आपकी गर्त में जा रही है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, कुपोषण है। आपको तय करना है पाकिस्तान के नागरिकों को, मुझे पता है ललनटॉप को कई लोग पाकिस्तान में देखते हैं, नहीं इसलिए आपको ये तय करना है कि आपको जमहूरियत वाले हुक्मरान चाहिए जो आपकी पढ़ाई आपकी दवाई आपके रोजगार के लिए काम करें और भारत का जो डर है जिसे 47 से दिखाया जा रहा है उसको बंद करें या फिर ऐसे ही मजबूत करें। लेकिन देखिए सौरभ भाई, आप आम पाकिस्तानी को जिम्मेदार मत ठहराइए। नहीं मैं तो उनको कह रहा हूं कि वो बदला ना है, मैं अभी तक जिम्मेदार नहीं ठहराता। देखिए आपको एक बात मैं बताता हूं मेरे दोस्त जी, इस देश में भी बदलाव करना है बिल्कुल, और वहां भी बदलाव होना है बिल्कुल। हम ना पाकिस्तानी को कटघरे में रखे, जब भी कुछ देखिए पाकिस्तान में आतंकवाद फैला हुआ है, पाकिस्तान से बम फटते हैं लोग मरते हैं, पाकिस्तान के लोग यहाँ आतंकवाद फैलाते हैं,
इसका मतलब नहीं है कि हर पाकिस्तानी आतंकवादी है। नोबडी सेज दैट। नहीं 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 लल्लनटॉप नहीं, मैं कह रहा हूं तो तस्वीर एक तरह से बनी है, इसीलिए मैं चाहता हूं करतारपुर जो है एक तरह से सिख कम्युनिटी जो है, नानक कि जिंदगी को आप देखिए ना, लोगों को जोड़ने का काम नानक जैसे लोगों ने किया, गुरु नानक देव। तो अमिताभ बच्चन को माफी मांगनी पड़ी, शिवाजी बोल दिया था सिर्फ जी, गुरु नानक देव। और मेरा यह कहना है कि पाकिस्तान आर्मी को आप अलग रखिए, आप पाकिस्तान आर्मी को अलग तरीके से आपको उनके साथ डील करना पड़ेगा। क्यों कैसे कर सकते हैं राजदीप, सरकार चली जाएगी। Because they are in a thousand year war with India। सरकार चली जाएगी, नवाज शरीफ जेल में सड़ रहे हैं। हजार साल की जंग वो करना चाहते हैं भारत के सामने, तो आप उस जंग के लिए तैयार रहिए, लेकिन उसके साथ साथ जनता जो है उनके साथ जितना आप जुड़ सके आपने हमने जुड़ना चाहिए। पांचवी खबर, नेहरू मेमोरियल और नेहरू परिवार से एसपीजी की सुरक्षा हटाना। Your take on नेहरू मेमोरियल के चेंजेस। देखिए नेहरू मेमोरियल के चेंजेस जब मैंने पहले देखे तो मुझे भी लगा जो जयराम रमेश ने ट्विटर पे कहा कि ये तो अब नागपुर मेमोरियल बन गया है, क्योंकि नेहरू मेमोरियल को एक तरह से मैं एकेडमिक दृष्टि से देखता हूँ। मैं यहाँ जब दिल्ली में 94 में आया तो मैं वहाँ मेंबर बन गया। तब बड़े डायरेक्टर थे डॉक्टर रविंदर कुमार, जिसने ये पूरे नेहरू मेमोरियल को बनाया। रविंद्र कुमार ना कांग्रेस मेमोरियल, आप लोगों की जानकारी, एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी है, बहुत रिच रेफरेंसेस हैं, किसी को भी अध्ययन करना होता है वहां जा सकते हैं। तीन मूर्ति में पूरा बना हुआ, उसका न्यास है, सब कुछ है। और अब तक उसमें कांग्रेस परिवार के लोग रहते थे, अब सरकार बदली, निजाम बदला तो बीजेपी के लोग। देखिए एक ये तर्क है कि तब, इसलिए मैं कह रहा था रविंद्र कुमार जब डायरेक्टर थे वो ना कांग्रेस से जुड़े हुए थे ना भाजपा से, वो चाहते थे कि अगर कोई यंग स्कॉलर आए, कोई वहां पढ़ना चाहे, लाइब्रेरी में आइए, वो मुझे हेल्प करते थे। कई लोगों को उन्होंने हेल्प की। क्या हुआ है कि पिछले 20-25 सालों में हमारी राजनीति इतनी विभाजित हो गई है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो आप अपने लोगों को रखना चाहते हैं वहां, और जब भाजपा की सरकार आती है अपने लोगों को। लेकिन एक फर्क है, मुझे लगता है जिस तरह के एकेडमिक लोग पिछले 20 साल पहले थे वो आज इस लिस्ट में नहीं दिखाई देते। अगर आपको लोग भी रखने हैं ना, भाजपा ये कहती है ना कि अकादमिक जगहों पे तो कब्जा था कांग्रेसियों का और कम्युनिस्टों का, अरे अब हम धीमे धीमे अपने बुद्धिजीवियों के लिए जगह बना रहे हैं। सर अपने बुद्धिजीवियों को भी रखिए, दूसरों को भी रखिए, दोनों के बीच में संवाद करिए। इसमें जो तीन नाम हटे हैं, राजदीप, कर्ण सिंह, जयराम रमेश और खड़गे। खड़गे तो वॉज अ प्योरली पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट। जयराम रमेश, कर्ण सिंह, ये दोनों व्यक्ति जो आपने नाम लिए, कर्ण सिंह शुड हैव बीन देयर, कर्ण सिंह और जयराम रमेश। कर्ण सिंह जो है स्कॉलर आदमी, बड़ा कमाल का काम है। जयराम रमेश ने भी कई चीजों पर बहुत कुछ लिखा है, हर राहुल गांधी की स्पीच लिखने के अलावा। नहीं नहीं, नहीं। किताबें भी लिखी हैं। हाँ। अक्सर पर बड़ी अच्छी अभी किताब, अक्सर पे किताब है। मेरा ये कहना है के लिबरलाइजेशन, मेरा ये मुझे क्या अच्छा लगता अगर जयराम रमेश भी होता होते उस बोर्ड पर, और राम माधव भी होते। मैं दोनों को ले आ रहा हूँ उसी नेहरू मेमोरियल में मेरे किताब के बुक रिलीज के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं यही हो। हाँ, नेहरू संवाद हो। देखिए हम नेहरू को या पटेल को या किसी भी व्यक्ति को इस तरह से एक बंद कमरे में ना रखे कि आप केवल कांग्रेस के विचारधारा से जुड़े हुए हैं। देश की विरासत है, देश की विरासत है बिल्कुल। और एसपीजी की सुरक्षा जो गांधी परिवार से हटाई गई, देखिए मुझे लगता है कि कांग्रेसी प्रदर्शन करते घूम रहे हैं। देखिए वो तो करेंगे ही, लेकिन मुझे लगता है जब भी आप ये निर्णय लेते हैं ना, थोड़ी ट्रांसपेरेंट रहिए कि ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया पर हमने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, जो भी हो, उनकी सिक्योरिटी कम की है। एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरा कहना है कि एक क्राइटेरिया बने। हम क्या करते हैं, इन चीजों पर भी राजनीति ले आते हैं कि जब किसी की सरकार हो तो उनके सभी लोगों को एसपीजी देते हैं और दूसरे से हटाते हैं। यही राजदीप, हमारी राजनीति सिक्योरिटी के साथ हम राजनीति नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं वी लॉस्ट अ एक्स प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ दिस मिस मैनेजमेंट। राजीव गांधी डाइस बिकॉज बीपी सिंह एंड चंद्रशेखर डिड नॉट पे इनफ अटेंशन टू हिज सिक्योरिटी डिटेल्स एंड इंटेलिजेंस फेल्ड। दिस टाइम आई डू नॉट एग्री विद यू बिकॉज उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट दी है। ये विदेश में जाते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, सार्जेंट रूप से इल्जाम लगाते हैं कि हमारी जासूसी हो रही। इफ यू डोंट हैव फेथ ऑन एसपीजी, इफ यू डोंट वॉन्ट एसपीजी, और उसका हर साल रिव्यू होता है, दे रिव्यूड इट। और ऐसा नहीं कि सुरक्षा पूरी हटा ली, सीआरपीएफ की जेड प्लस कैटेगरी थी। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और मुझे लगता है किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर आप किसी की सिक्योरिटी कम करें।
पर ये जो प्रोसेस होती है या तो आरटीआई रिव्यू किया ना, एक साल में रिव्यू किया, तो ये रिव्यू जो है ना इसके जो कारण बताऊं है, आप देश के सामने रखिए, आप और हम प्रदर्शन तो नहीं करेंगे अमित शाह के घर के बाहर अगर उनको लगे। इंटेलिजेंस इनपुट क्या है, किसको थ्रेट का लेवल क्या है, आपने रिव्यू किया, आई एम श्योर दे आर रिस्पॉन्सिबल इनफ फॉर दिस थिंग कि हम इनको मनमोहन सिंह को या सोनिया को राहुल को एसपीजी से जेट प्लस में ला रहे हैं, तो वो खुद नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसी त्रासदी हो जो पहले इस देश में हुई। सर, मेरा इतना ही कहना है, जैसे मैंने कहा, अब आप उनको सीआरपीएफ में डाल रहे हैं, सीआरपीएफ इज अ वेरी सॉलिड फोर्स, मंत्री के पास, अमित शाह के पास भी वही, सीआरपीएफ इज अ वेरी सॉलिड फोर्स, मुझे कोई इससे दिक्कत नहीं। मैं कुछ और कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज हम जनता के सामने नहीं रख सकते, मैं कह रहा हूं जब आप ये लिस्ट बनाते हैं, मेक श्योर दैट द लिस्ट इज फुल प्रूफ कि कोई कल ना कहे इसमें राजनीति है। बिल्कुल, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो इस बात से डंग था। और मैं ये कहना चाहता हूं आपको, रॉबर्ट वाड्रा जो हैं, एक बार मैं एयरपोर्ट सिक्योरिटी में से जा रहा था, वहां मैंने देखा एवरीवन, सबको चेक करनी पड़ती है, एक्सेप्शन कौन थे, रॉबर्ट वाड्रा उनमें से एक था कि उनको उस सिक्योरिटी से नहीं जाना पड़ा। क्यों मिलना चाहिए रॉबर्ट वाड्रा को? और मुझे जमीन के सौदे करते घूमते हैं, तो मैंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा को कोई एग्जेम्पशन की जरूरत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप ये लिस्ट बनाते हैं, आप ऐसी तरह से बनाएं ताकि ऐसा ना लगे कि भाजपा लोगों को आप एक्स्ट्रा सिक्योरिटी दे रहे हैं और कांग्रेस वालों से हटा रहे हमारे समाज में, क्योंकि मैं कह रहा हूं समाज इतना बढ़ गया है, राजनीति का बहुत क्लियर, सिक्योरिटी में पॉलिटिक्स नहीं होनी, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, सर ये विरोध प्रदर्शन गलत है, चलिए मैं मानता हूं। अगले मोर्चे की तरफ, पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, लल्लन टॉप के इस प्रोग्राम नेता नगरी का दूसरा मोर्चा जिसका नाम है हफ्ते की हस्ती। इस हफ्ते की हस्ती कैप्टन अमरिंदर सिंह, दो वजहों से, करतारपुर कॉरिडोर मामले में जिस तरह से उन्होंने सकारात्मक रुख दिखाया, पाकिस्तान को लगातार आंखें दिखाई जब जब वो गलत हुए और नरेंद्र मोदी से आकर मिले, वो सब नकारात्मक क्योंकि पराली रोकने में वो विफल रहे। योर टेक। अमरिंदर सिंह बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है क्योंकि कांग्रेस में ऐसे बहुत कम नेता हैं जो राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर एक बड़ा, आप कहेंगे राष्ट्रवाद, नेशनलिस्ट विचारधारा हैं और कांग्रेस के सेंट्रल पोजीशन से इतर। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह वाकई एक तरह से अपने रीजनल बॉस बन गए हैं। पंजाब में आज की तारीख में वो नेता नंबर वन है, उन्हें कांग्रेस हाई कमांड से परमिशन लेने की आजकल जरूरत, वो अपने दम पे जब उन्होंने, जैसे उन्होंने जब सिद्धू जी को निकाला मंत्रालय से, उन्होंने ये निर्णय ले लिया। और आज की तारीख में पाकिस्तान की तरफ जो उनका रुख है, आतंकवाद की तरफ रुख है, बहुत ही सख्त है। मैं तो कहता हूं बालाकोट के बाद कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को आगे रखना चाहिए था, क्योंकि वो मिलिट्री हिस्टोरियन है, खुद आर्मी में उन्होंने जंग लड़ी है, किताबें बड़ी अच्छी लिखी है जंगों पर। और जब भी मैं मिलता हूं उनको, उनका, उनकी जो विचारधारा है बहुत साफ है इन सब मामलों पर, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर। राष्ट्रीय सुरक्षा तो ठीक है, वी अप्रिशिएट दैट, पराली के मामले में बहुत ही कमजोर हुए हैं, क्योंकि यही तो मुसीबत है। हर चीज को हम अगर वोट बैंक की नजर से देखें, एक तरह से पंजाब के किसानों के सामने जो दुविधा है कि हम वो मशीन नहीं खरीद सकते, सरकार सब्सिडी देना, एक मिनट, तो कॉर्पोरेट्स को देती है, किसानों क्यों नहीं दे सकते? मेरा कहना है पंजाब सरकार ने इसको वॉर मोड की तरह लेना चाहिए था कि हम वो मशीन तैयार रखेंगे, किसानों के सामने उनको देंगे, किसान अपनी फसल, जब उनका फसल खत्म होगी उन मशीन के जरिए वो सरकार वापस लेगी, यानी आगजनी नहीं होगी। मेरा ये कहना है अमरिंदर सिंह ने इस मामले को कहीं ना कहीं हल्की तरह से लिया है, जिस तरह से उन्होंने राष्ट्र सुरक्षा पर फोकस किया है, यह भी जनता का मामला है। मैं तो हमेशा कहता हूं ये भी सुरक्षा का मामला है, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ा है, इन सब चीजों पर अमरिंदर सिंह, खट्टर और केजरीवाल तीनों ने बैठकर अमरिंदर सिंह कई बार मैंने उनके साथ गुड कंपनी, मैंने उनके साथ अभी तक पटियाला पैग नहीं लिया, गुड कंपनी, एक्सेलेंट कंपनी, और इज ही अ गुड होस्ट, एक्सेलेंट होस्ट। मैंने उनके साथ इलेक्शंस ऑन माय प्लेट किया था, उन्होंने पूरी एक पटियाला की थाली मेरे लिए तैयार रखी थी, बड़ा शौकीन आदमी है। आप जानते होंगे उनके जो ग्रैंडफादर थे, ये वर्ड मार्क किया जाए, शौकीन आदमी है, थोड़े क्या ज्यादा समझिए क्योंकि बहुत सारे, नहीं नहीं ये देखिए शौकीन है ना, ही इज अ ग्रेट होस्ट। उनके जो ग्रैंडफादर थे भूपिंदर सिंह और पटियाला, वो भी बड़े अपने जमाने में बहुत ही बड़े होस्ट थे क्रिकेट को इस देश में।
लाला अमरनाथ से लेकर जितने बड़े क्रिकेटर्स थे उन्होंने पटियाला की वजह से वो आगे आए, महाराजा पटियाला ने उनको एक तरह से प्रोत्साहन दिया था, प्रोत्साहन दिया था। चलिए अब बढ़ते हैं नेता नगरी के तीसरे सेगमेंट की तरफ, व्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू। राजदीप सरदेसाई सवालों के लिए तैयार? बिल्कुल। पहला सवाल नृपेश ठाकुर की तरफ से, राजदीप की समझदारी तब कहां थी जब उन्होंने सोनिया गांधी का इंटरव्यू लिया, पाखंड की हद। देखिए साफ है, मैंने ये कई बार कहा है, सोनिया गांधी ने उस इंटरव्यू के कुछ घंटों पहले कहा कि मैं पॉलिटिकल क्वेश्चंस नहीं लूंगी, मैं राजनीतिक सवाल नहीं लूंगी। तब मेरे सामने दुविधा थी, या तो मैं इंटरव्यू कैंसिल करता या मुझे लगा चलिए करते हैं और बीच बीच में पॉलिटिकल क्वेश्चंस करते हैं। वो तैयार नहीं हुई, मैं जानता हूँ, इसकी वजह से कई लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया, ये आपके आपका हक है। और मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैं एक राजनीतिक लीडर से बात कर रहा हूं लेकिन राजनीति पर नहीं कर पाया। सो चॉइस वाज नो इंटरव्यू और इंटरव्यू विदाउट पॉलिटिकल क्वेश्चन, विदाउट यू वेंट फॉर द सेकंड ऑप्शन। आई वेंट फॉर द सेकंड ऑप्शन, ये शायद मेरी गलती थी, मैं मानता हूं हमेशा व्यक्ति ने गलती माननी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों को वो इंटरव्यू अच्छा लगा, ज्यादातर लोगों को लगा बहुत ही सॉफ्ट कमजोर इंटरव्यू था। ये आपकी राय है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम राघवेंद्र यादव, लल्लन टॉप शो मेरा फेवरेट है, मेरा सवाल है कि क्या सारे मीडिया वाले आपकी तरह व्यवहार कर सकते हैं? सबसे पहले तो शुक्रिया राघवेंद्र जी इस प्रशंसा के लिए, और आदत कम रखनी चाहिए तारीफ की, क्योंकि ये मीठा जहर होता है, कब आपकी शिराओं में घुल के आपको मदोन्मत्त कर दे सत्ताधीशों की तरह, कोई नहीं जानता। पर ठीक है, यार से छेड़ चली जाए असत, शुक्रिया आपका, बाकियों के लिए बाकी जवाब दे सकते हैं। तीसरा सवाल, साधु साधु इनका नाम है, ये कह रहे हैं कि क्या सौरभ और राजदीप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि भारत में आजकल कृत्रिम लोकतंत्र यानी कि आर्टिफिशियल डेमोक्रेसी चल रही है जो सिर्फ सत्ता पक्ष के एजेंडे को प्रचारित व प्रसारित कर रही है? बिल्कुल, हमारे देश में चुनाव होते हैं लेकिन लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, चुनाव ज्यादा हो रहे हैं लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, ये एक एक ऐसी एक सिचुएशन बन गई है। राजदीप ऐसा क्यों लगता है आपको? पीपल डेमोक्रेटिक वोकल, मतलब मैं आपको उदाहरण दूं, हरियाणा में देखिए क्या हुआ, अब महाराष्ट्र में देखिए क्या हो रहा है, जनता उम्मीद के साथ लोगों को चुनती है। वही महाराष्ट्र की हम बात कर रहे थे, आज हमने महाराष्ट्र के किसानों की त्रासदी की तरफ देखना चाहिए, 90% किसान वहां जिस तरह से उनका पूरी फसल खत्म हुई है। जब हम डेमोक्रेसी, माय पॉइंट राजदीप की आज की हमारी आवाज नहीं पहुंच पाती है, को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वी आर सिटिंग हियर एंड टॉकिंग अबाउट इट कि वो सरकार बनाने में नाकाम रहे और किसान परेशान है। सर ये जनादेश का अपमान है। सर धारा 370 का निर्णय लिया, जनता से किसी ने पूछा नहीं? आज की तारीख में आप सरकार बनाते हैं चुनाव के बाद, देखें जनता से डिफेंस की, हम तो 370 और जनता के सामने मुद्दे पर ही जनता के बीच गए। सर आम आदमी के पास की त्रासदी क्या है? वोटों के, वोट के अलावा उसके पास कोई ताकत नहीं है। ताकत कहाँ है? लोकतंत्र का मतलब है लोगों की ताकत, लोगों की ताकत आपने निकाल दी। आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री विद राजदीप सरदेसाई, मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र मजबूत हो रहा है, मैच्योर अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा सा फर्क है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की वॉइसेस आ रही, लेकिन उस वॉइस के जो फिल्टर है कि उन वॉइसेस को पता हो कि हमें एग्जैक्टली डिमांड क्या करना है अपने स्ट्रक्चर से, अपने सिस्टम से, उसको लेके खैर लंबी बहस। मनोज पूनिया, सौरभ सर आपने कहा कि किसान पराली जला रहे हैं, पर क्या आपको नहीं लगता है उनकी मजबूरी है? सर हम किसानों को विलेन नहीं बता रहे हैं, लेकिन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। हमें पता है कि किसान अगर पराली नहीं जलाएंगे तो उनकी बचत कम होगी, थोड़ा सा ज्यादा पैसा कम होगा, पर ये किसान ही तो हैं जो हमेशा अपने हित से समाज और देश के हित को आगे रखते हैं, इसीलिए उनसे प्रार्थना की जा सकती। बाकी सरकारों को तो लगातार कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कहा है कि मुआवजा दिया जाए। आखिरी सवाल, फीडबैक बड़ी की तरफ से, राजदीप चौवन साल की उम्र लेकिन आप जवान हैं, व्हाट्सएप नंबर भेजिए, ब्लाइंड डेट ऑर्गेनाइज करते हैं आपके लिए। ब्लाइंड डेट, देखिए ब्लाइंड डेट का, यू आर ब्लशिंग। नहीं, ब्लाइंड डेट मैंने एक बार सोचा था जब मैं 18-19 साल का था, उस जमाने में इंटरनेट भी नहीं था तो ब्लाइंड डेट के अवसर बहुत कम थे। आजकल मैं सुनता हूँ नेट पर भी डेटिंग होती है, देखिए ये सब चीज सुनते हैं, आपके बच्चे नहीं बताते हैं आपको? नहीं सर, मैं सर, कीप योरसेल्फ अपडेटेड मिस्टर सरदेसाई। मैं बिल्कुल अपडेटेड हूँ, लेकिन ब्लाइंड डेट के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। लेकिन देखिए मेरा ईमेल आईडी साफ है, rajdeepsardesai52@gmail.com, और अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना, मैं सवाल के लिए तैयार हूं। मैं उन नेताओं की जैसा बख्श दीजिए भाई, नहीं, सच्चाई, आपने अभी लोकतंत्र की बात की, कहां है हमारे नेता जो जनता के सवाल लेते हैं? मैं आपके कोई भी सवाल लेने के लिए तैयार है, ये बात तो है। वैसे सवालों से याद आया, एक आपकी फोटो बड़ी वायरल की जा रही जिसमें आप एक कार के आगे हैं
और कहा जा रहा है कि इसके चालान पेंडिंग है। वो आप ही की गाड़ी है? मेरी ही गाड़ी है और मेरे ड्राइवर चलाता है, तो मैंने उससे पूछा भी, उसने कहा सर एक बार चालान हुआ था, मैंने पैसे भरे और मैंने चेक भी किया, पैसे भरे हुए हैं, चलान अगर हुआ है तो उनकी गलती थी। लेकिन एक देखिए सवाल लेते हैं, देखिए राजदीप ये सवाल, अब जनता इस लेवल पर आ गई, मैं फोटो चलाता, अरे यानी इतनी मेरी चेकिंग हो रही है। लेकिन एक कहूं, पिछले हफ्ते जब हमारी, जब आपने एक सवाल पूछा राजदीप सरदेसाई को गुस्सा क्यों आता है, इट वेंट वायरल, तो मैंने अपनी थोड़ी सी भड़ास मेरी भी निकाल ली और वो वायरल चला गया। आजकल लोगों ने पूरा प्रोग्राम नहीं देखा, लेकिन वो दो मिनट, मैं चाहता हूं जनता पूरा प्रोग्राम देखे ताकि ये ना लगे कि केवल एक तरफा बातचीत हो रही है। हम सभी को कटघरे में रखते हैं एक तरह से। नेता नगरी का आखिरी सेगमेंट फुर्सत की सलाह, राजदीप सरदेसाई, शनिवार इतवार खेलों की दुनिया में क्या देखने जा रहे हैं आप? शनिवार इतवार खेलों की दुनिया में मैं जरूर, एक मैच है मैनचेस्टर सिटी वर्सेस लिवरपूल, ये इंग्लैंड के दो सबसे बड़े फुटबॉल टीम हैं, उनकी मैच हो रही है, ये 10 बजे मैं रात को देखूंगा संडे। उसके पहले क्रिकेट भी है, इंडिया और बांग्लादेश, और बांग्लादेश टक्कर भी दे रहा है इंडिया को। लेकिन हाँ, आप समझते हैं कि बांग्लादेश छोटी टीम है, फिर भी आई डोंट वॉच क्रिकेट, आई हार्डली वॉच क्रिकेट, अच्छा मैं हाईलाइट्स देख लेता हूं, इतना वक्त नहीं है मेरे पास वेस्ट करने के लिए। और लेकिन इस हफ्ते क्रिकेट के अलावा या खेल के अलावा मैं अयोध्या पर जितनी भी किताबें एजी नूरानी की है, एक वलय सिंह की है, उन सबको मैं पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि अगले हफ्ते मुझे स्टूडियो में बैठकर, मैंने एजी नूरानी के दो वॉल्यूम है राजदीप, इतने मोटे मोटे, आई ऑलरेडी हैव रेड देम, आई एम जस्ट नाउ रिवाइविंग की कुछ अगर कुछ हो उसमें, बट दे आर मेंट मोर इन एन एकेडमिक व्यू। वलय सिंह की भी एक नया यंग व्यक्ति है, उसने, चलिए मैं इस लिस्ट में अपनी लिस्ट जोड़ देता हूँ। धीरेन्द्र के झा की किताब है 22 दिसंबर 1949 के प्रकरण पे, हार्पर से छपी है, खोज के पढ़नी चाहिए। किशोर कुणाल, मशहूर चर्चित आईपीएस ऑफिसर बिहार के, उन्होंने बहुत विस्तार से लिखा है, अयोध्या पर पढ़ना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको संघ का पर्सपेक्टिव समझना है तो देवेंद्र स्वरूप की एक किताब है अयोध्या के ऊपर, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। एजी नूरानी ने तो बहुत विस्तार से काम किया है लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, और लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट जो कभी भी पब्लिक नहीं की गई उसके कई अंशों को उन्होंने उद्धृत किया। ही इज अ रिमार्केबल मैन, मुझे लगता है कभी करीब 85-90 साल के हैं, अभी भी लिखते हैं, अभी भी वो भी जवान है। वो भी जवान है। तो ये सारी किताबें हैं, अपना वीकेंड भी किताबों के साथ और अयोध्या के फैसले के पहले के सम्यक अध्ययन के क्रम में बीतने वाला है। बाकी एक खुशखबरी आपका इंतजार कर रही है, आपका लल्लन टॉप देश का पहला डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म होने वाला है 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ यूट्यूब। अरे वाह, आखिरी 1 लाख की गिनती शुरू हो चुकी है राजदीप। अरे वाह, इसीलिए मैं तो आपके शो पे आता हूँ ताकि लोग मेरा 1 करोड़। राजदीप आप लल्लन टॉप पे इसलिए मत आइए कि 1 करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, इसलिए आइए कि लल्लन टॉप का जब 1 सब्सक्राइबर भी था तब भी, और अब जब 1 करोड़ होने जा रहे हैं, लोगों का जो भरोसा है लल्लन टॉप पे कि ये ना दाम का है ना वाम का है, ना ये इस तरफ का ना उस तरफ का, ये इस देश की जो महान परंपराएं हैं, सहिष्णुता की परंपरा, संविधान से ये देश चले और ज्ञान की लकीर पर चढ़े, खूब पढ़े और सारी आलोचनाएं सहने को तैयार हो, इसकी नीयत बहुत दुरुस्त हो, शायद इसलिए लोग इतना प्यार देते हैं, लड़ते भी हैं तो हक के साथ। मुझे यही भी अच्छा लगता है क्योंकि सौरभ कभी ज्यादा बोल लेते हैं मुझसे, लेकिन फिर भी मुझे पूरा बोलने का मौका देते हैं जो मुझे टीवी पर नहीं मिलता। टीवी पर मुझे सवाल पूछने पड़ते हैं, कई लोग मुझे पूछते हैं जब आप लल्लन टॉप पे होते हैं आप बहुत कुछ कहते हैं, टीवी पर क्यों नहीं कहते? आज ही कोई मुझे कह रहा था कि ही इज अ टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी ऑन लल्लन टॉप। क्या होता है कि एक तरह से मैं एक आजाद पंछी हूं आपके साथ, वहां मैं कैद में हूं, क्योंकि अगर मैं कोई भी सवाल पूछूं तो लोग कह रहे हैं ये सवाल आपने पूछा वो इसके खिलाफ है उसके खिलाफ। और क्या होता है, मैं देख रहा हूं डिजिटल की दुनिया नई दुनिया है, और हमेशा नई दुनिया में जब आप जुड़ जाते हैं एक नई एनर्जी आती है, एक ऊर्जा आती है। ही इज साउंडिंग लाइक दैट एक्साइटेड किड ऑफ जुमांजी। एनीवेज, कैद में जितनी भी बुलबुले हैं सियासत की समझ रखने वाली, उन सबको आजाद करता रहेगा ये वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी। आपकी इसके बारे में जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज कराएं, और अगर अब तक आपने यूट्यूब चैनल को लल्लन टॉप के सब्सक्राइब नहीं किया है तो यही मौका है, क्योंकि शुरुआत के 1 लाख और आखिरी के 1 लाख, ये कह सकते हैं कि हम शुरुआत में साथ थे और हमने आपको एक बड़े मील के पत्थर को पार करने में मदद की। शुक्रिया राजदीप सरदेसाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।